आज से एक साल पहले मैं इस्लामाबाद की एक लड़की से सोशल मीडिया पर बात करने लगा। वो लड़की बहुत ज़्यादा तनहा और बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि वो जिससे मोहब्बत करती थी वो उसे धोखा देकर किसी और का हो चुका था। शायद उस वक्त उसे किसी सहारे की ज़रूरत थी, इसीलिए वो मुझसे अपना दुख दर्द शेयर करने लगी। वो मुझे रोज़ बिला नागा कॉल करती थी और हम दोनों घंटों घंटों तक बातें करते थे। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता था कि वो मेरी बातों से खुश रहा करे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो मेरे साथ खुश रहने लगी। वक्त गुजरता गया और उसे मेरी आदत और मुझे उससे मोहब्बत हो गई। फिर हम दोनों ने एक दूसरे से मिलने का फैसला किया, तो वो मुझसे मिलने के लिए इस्लामाबाद से लाहौर आ गई। लाहौर में हमने एक साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा और फिर पूरे दो दिन बाद वो इस्लामाबाद वापस चली गई। उसके वापस चले जाने के बाद हम में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी। लड़ाइयों की वजह उसका गुजरा हुआ कल था, क्योंकि उसे ये लगने लगा था कि मैं भी उसी इंसान जैसा हूँ जिसने उसे धोखा दिया था। मैंने उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, लेकिन वो मुझे फिर भी हर बार यही कहती थी कि तुम भी उसी जैसे हो। मुझे ये उसके अल्फाज बहुत ज़्यादा तकलीफ देते थे और मैं फिर भी उसके इन अल्फाजों को बर्दाश्त कर जाता था। हमारा दिन ब दिन ताल्लुक ख़राब होता जा रहा था। मेरे मसरूफ़ होने पर वो मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ाई करती। शायद उसे लगने लगा था कि मैं किसी और को टाइम देता हूँ, लेकिन मेरा खुदा गवाह है कि मैं सच में मसरूफ़ होता था, क्योंकि मैं नौकरी करता हूँ और मर्द को अपना घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन वो चाहती थी कि मैं सिर्फ उसी से ही बात करता रहूं। फिर मेरा वीज़ा आ गया और मैं बाहर के मुल्क जाने की तैयारियां करने लगा। जब उसे पता चला तो उसने मुझे जाने से रोक दिया और मुझे उसने ये यकीन दिलाया कि अब वो मुझसे लड़ाई नहीं करेगी। मैं उसके कहने पर रुक गया, क्योंकि मैं भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उससे दूर जाने की सोच भी नहीं सकता था। फिर हम में सब कुछ ठीक चलने लगा और ऐसा लगने लगा था कि हम बहुत जल्द एक हो जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वो बात बात पर मुझसे लड़ाई करने लगी। इस बार लड़ाइयों की वजह एक बार फिर से उसका गुजरा हुआ कल था। वो उस लड़के से फ़ोन पे रबते में थी जिस लड़के ने उसे धोखा दिया था। वो लड़का किसी और से शादी करने जा रहा था, फिर भी वो लड़की उसे रबते में थी। जब ये सब मुझे पता चला तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि आज से 6 साल पहले मैं भी ऐसे वक्त से गुजर चुका हूँ। इसलिए मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया और मैं बस खामोश रहा। और फिर जिस दिन उस लड़के की शादी थी, उसी दिन उस लड़की ने किसी और के धोखे का बदला मुझसे ले लिया। वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई और मैं खामोश होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सका। अब ये अलम है कि वो किसी और के और मैं उसके हिजर में ज़िंदगी काट रहा हूँ।